चैत्र नवरात्रि 6 अप्रैल 2019 सात राशियों को मिलेगा खजाना। दर्शकों सादर जय श्री कृष्ण, मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल। दर्शकों बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। दर्शकों चैत्र नवरात्र 6 अप्रैल 2019 को प्रारंभ हो रहे हैं। ग्रहों का संयोग कुछ इस प्रकार बन रहा है जिससे सात राशियों को मिलेगा खजाना। सात राशियों पर धन की वर्षा होगी, सात राशियों को सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। चैत्र नवरात्र एक बहुत ही अभूत मुहूर्त है। कोई भी शुभ काम चैत्र नवरात्र में प्रारंभ कर सकते हैं जिसका फल हमें कई गुना प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्र पर निश्चित रूप से ग्रहों का संयोग कुछ इस प्रकार बन रहा है। नव ग्रहों की अनुकूलता कुछ इस प्रकार रहेगी जिससे सात राशि वालों को कामयाबी मिलेगी। सात राशि वालों को सुख मिलेगा, वैभव मिलेगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, धन की वर्षा होगी, व्यापार अच्छा चलेगा, जो भी काम सोचेंगे वह काम आसानी से संपन्न हो जाएंगे। दर्शकों आइए देखते हैं वे कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके सभी काम आसानी से संपन्न होंगे, जिन्हें कामयाबी मिलेगी, जिन्हें वैभव सुख ऐश्वर्य प्राप्त होगा। आइए देखते हैं वे कौन कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं। सबसे पहले मेष राशि। चैत्र नवरात्रि से मेष राशि वालों को निश्चित रूप से सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी, आपकी उम्मीदें पूर्ण होंगी, आय की स्थिति उत्तम बनेगी। निश्चित रूप से जिस अवसर की तलाश है वह अवसर आसानी से मिल जाएंगे। नौकरी में पदोन्नति के योग भी बनते हैं। मेष राशि वाले जो भी काम सोचेंगे वह काम आसानी से संपन्न कर लेंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होगा, अचानक धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। कोई नए व्यापार की रूपरेखा भी बन सकती है। मेष राशि वाले प्रसन्न रहेंगे। निश्चित रूप से मेष राशि वालों को सभी प्रकार के सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा। इस प्रकार मेष राशि वालों को इस चैत्र नवरात्रि से निश्चित रूप से सभी प्रकार के सुख वैभव प्राप्त होंगे। दूसरी राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों पर निश्चित रूप से धन की वर्षा होगी, आपके सब्र और मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होगा। रिश्तों में आपके अनुरूप कार्य होंगे, अकस्मात धन प्राप्ति का योग बन सकता है। काफ़ी खुशनुमा सा माहौल रहेगा, आप स्वयं अति उत्साहित महसूस करेंगे। जो काम अभी तक रुक रुक कर हो रहे थे उसमें अचानक गति आएगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, आपके अथक प्रयास सफल होंगे। व्यापारिक करार व लेन देन के मामले आपके पक्ष में रहेंगे। किसी एक ही दिशा में कार्य करने से अच्छा लाभ मिलेगा। समय शिक्षा तकनीकी ज्ञान के लिए उत्तम है। मिथुन राशि वाले छात्रों को शिक्षा के अच्छे परिणाम मिलेंगे। नौकरी में तरक्की के योग बनते हैं, नौकरी में पद वृद्धि भी हो सकती है। सभी प्रकार के सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी, धन की वर्षा निश्चित होगी। तीसरी राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि को चैत्र नवरात्र से निश्चित रूप से सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। मेहनत का फल अवश्य प्राप्त होगा, आपके सब्र और मेहनत से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। आय की स्थिति अच्छी बनेगी, अदालती कानूनी मामलों में आपको सफलता मिलेगी। मानसिक शांति का अनुभव करेंगे, बिगड़े काम बनेंगे, रुके हुए काम में अचानक गति आएगी। जो भी काम सोचेंगे वह काम आसानी से संपन्न हो जाएंगे। अधिक उत्साह और जोश की अनुभूति होगी, कुछ पुरानी बातों को भुलाकर नए कार्यों की ओर बढ़ेंगे। कोई नया व्यापार की रूपरेखा बन सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा, भाइयों का सहयोग मिलेगा, महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। आपके बिगड़े काम बन सकते हैं, अधिकारी वर्ग से लाभ मिलेगा, नौकरी में तरक्की होगी। यदि प्राइवेट नौकरी करते हैं तो बड़ी सैलरी के ऑफर आज आपको प्राप्त हो सकते हैं। चैत्र नवरात्रि से सिंह राशि वालों को का भाग्य जोर मारेगा, आपका उत्साह चोटी पर रहेगा, आपकी बुद्धिमत्ता और कार्यप्रणाली के लोग तहे दिल से प्रशंसा करेंगे, अचानक धन की प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इसके बाद आती है कन्या राशि। कन्या राशि को चैत्र नवरात्रि से निश्चित रूप से ग्रहों का संयोग का लाभ प्राप्त होगा, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी, आपका संपर्क उच्च अधिकारी व प्रतिष्ठित लोगों से होगा, आपके कार्य अल्प परिश्रम से संपन्न हो जाएंगे, कठिनाइयों का साहस से सामना करेंगे। कोई नए व्यापार की रूपरेखा बन सकती है, व्यापार में जो भी निवेश करेंगे उसमें कई गुना वृद्धि हो सकती है। आपका दिमाग कई विचारों से परिपूर्ण रहेगा, इसका उपयोग व्यावसायिक परियोजना के लिए करें, आपके मान गौरव तथा पराक्रम में वृद्धि होगी, व्यापारिक परियोजना में सफलता मिलेगी, अधिक उत्साह और जोश की अनुभूति होगी, एकाग्रता की आवश्यकता रहेगी। कन्या राशि वाले मेहनत करें, निश्चित रूप से उन्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी, खजाना मिलेगा, अचानक लाभ के योग बन सकते हैं। अपने करियर पर ध्यान दें, भाग्य आपके साथ रहेगा। इसके बाद आती है तुला राशि। तुला राशि वालों को इस चैत्र नवरात्र से पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, किसी बड़ी परेशानी से आप
बच पाएंगे। अपनी बुद्धिमानी से दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आपके मान गौरव तथा पराक्रम में वृद्धि होगी। आपका दिमाग कई विचारों से परिपूर्ण रहेगा। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। खुद की ताकत और योग्यता को कम ना समझें। अच्छे लोगों की संगत से धन लाभ हो सकता है। अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित करेंगे। कोई स्थायी लाभ की आशा बनेगी। निश्चित रूप से परिवार में आपके विचारों को मान मिलेगा। करीबी व्यक्तियों से भरपूर सहयोग मिलेगा। किसी महत्वपूर्ण काम को संचालित कर सकते हैं। अचानक धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। यदि आप नौकरी में और बदलाव की आशा कर रहे हैं तो समय श्रेष्ठ है। प्रयासों में तेजी लाएं, सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुला राशि वालों को वैभव सुख ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इस चैत्र नवरात्रि से अधिक लाभ होने की आशा है। इसके बाद आती है धनुराशि। धनुराशि वालों को सभी परेशानियों का हल प्राप्त होंगे। समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। आप निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। मन प्रसन्न रहेगा। भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति होगी। आपकी उम्मीदें पूर्ण होंगी। जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुरूप आपको परिणाम मिलेंगे। छात्रों को भी अच्छे परिणाम मिलने की उम्मीद है। उच्च शिक्षा के अच्छे अवसर मिलेंगे। यदि प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो उसमें सफलता प्राप्त होगी। जीवन में कुछ नए चेहरों का सामना हो सकता है। भौतिक साधनों की प्राप्ति हो सकती है। महिलाओं को घर परिवार में सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के योग बनते हैं। यदि व्यापार व्यवसाय में पैसा लगाते हैं तो निश्चित रूप से कई गुना वृद्धि हो सकती है। कोई नए व्यापार की रूपरेखा बन सकती है। इस प्रकार धनुराशि वालों को जीवन में वैभव सुख ऐश्वर्य प्राप्त होगा। इसके बाद आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि का भाग्य मजबूती प्रदान करेगा। आर्थिक स्तर पर खुद को बेहतर महसूस करेंगे। इस चैत्र नवरात्रि से सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा। जीवन में कुछ कटु सत्यों का सामना हो सकता है। अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करें। अधिक से अधिक फल आपको प्राप्त होगा। परिवार में उत्साह का माहौल बनेगा। विदेश संबंधित कार्यों को गति मिल सकती है। मार्केटिंग, ट्रेडिंग एवं जमीन से संबंधित कार्य करने वालों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। अचानक धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। रुके हुए काम में तेजी आएगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। इस चैत्र नवरात्रि से ग्रहों का संयोग कुछ इस प्रकार बन रहा है कि कुंभ राशि वालों को अचानक धन की प्राप्ति के योग बनेंगे। भूमि, भवन व प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों को गति मिलेगी। सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। जीवन साथी का सुख मिलेगा। भाइयों का सहयोग मिलेगा। रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। इस प्रकार दर्शकों, इस चैत्र नवरात्रि 6 अप्रैल 2019 से ग्रहों का संयोग कुछ इस प्रकार बन रहा है जिससे सात राशियां लाभान्वित होगी। सात राशियों को मिलेगा खजाना। सभी प्रकार के सुख वैभव ऐश्वर्य प्राप्त होंगे। मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि, इन सात राशियों को मिलेगा खजाना, वैभव, सुख, ऐश्वर्य। सभी प्रकार के सुख मिलेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।